नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ड्रीम टैलेंट के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जाने माने क्रिकेटर विराट कोहली के बारे में और जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और उनको मिले अवार्ड्स के बारे में और जो उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक। विराट कोहली जो कि बहुत फेमस हैं अपने टैटूज को लेकर, उनको टैटूज बहुत ज्यादा पसंद है। विराट कोहली अंडर 19 के कैप्टन रहे हैं जिसमें वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती थी उनके अंडर में। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था अंडर 15 में दिल्ली में 2002 अक्टूबर में। उनके नाम का वैक्स स्टैच्यू बनाया गया है दिल्ली वैक्स म्यूजियम में। विराट कोहली को चीकू के नाम से जाना जाता है। ये नाम उनको उनके कोच ने दिया था। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उनको हमारे एजुकेशनल वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। 2013 में विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट ऑनर अचीवमेंट अवार्ड है स्पोर्ट्स में। 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए विराट कोहली जो कि चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया विराट कोहली को। विराट कोहली की अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड कोहली को मल्टीपल टाइम्स मिला है। आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी कोहली के नाम मल्टीपल टाइम्स हुआ है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड भी मल्टीपल टाइम्स विराट कोहली के नाम पे दर्ज है। सर गैरफील्ड सुपर्स ट्रॉफी आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द डेकेड का अवार्ड 2011 टू 2020 के लिए विराट कोहली को मिला है। सर गैरफील्ड सुपर्स ट्रॉफी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 एंड 2018 का अवार्ड भी विराट कोहली के नाम पे है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेड 2011 और 2020 का अवार्ड विराट कोहली के नाम पे है। आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2012 2017 एंड 2018 का अवार्ड विराट कोहली के नाम पे है। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड विराट कोहली के नाम पे है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2016 2017 एंड 2018 का अवार्ड भी कोहली के नाम पे है। सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2011 2012 2013 2014 2017, 2018 एंड 2018, 2019 का अवार्ड भी विराट कोहली के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग ऑरेंज कैप जो कि सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए मिलती है वो 2016 में विराट कोहली को मिली है। पीपल्स चॉइस अवार्ड इंडिया फॉर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन 2012 का अवार्ड विराट कोहली के नाम पे है। GQ स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2013 का अवार्ड विराट कोहली के नाम पे है। 2017 में CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी विराट कोहली के नाम पे है। इसके अलावा पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड भी विराट कोहली के नाम पे है। इसके अलावा फिरोज शाह कोटला दिल्ली में दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके नाम का पवेलियन स्टैंड बनाया है जिसका नाम विराट कोहली पवेलियन स्टैंड रखा गया है। अब हमें ये तो मालूम हो गया है कि कोहली को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी अब ये जान लेते हैं। जुलाई 2006 में कोहली को अंडर 19 के स्क्वाड में जो कि इंग्लैंड जा रहा था उसमें सिलेक्ट किया गया और उन्होंने वहीं पे अपना परफॉर्मेंस दिखाया। उन्होंने 105 रन की एवरेज से 3 मैच में ओडीआई सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ रन मारे और अंडर 19 में ही 49 रन की एवरेज से 3 टेस्ट मैच की सीरीज में रन बनाए।
इंडिया ने अंडर 19 के दोनों सीरीज इंग्लैंड से जीती और कोहली को सिलेक्ट कर दिया गया 2009 में जुलाई अगस्त में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में, जहां उन्हें ओपनिंग करने का मौका मिला और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए 398 रन बनाए 7 मैचेस में 66.33 की एवरेज से। जब सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया तो सुरेश रैना को कैप्टन बनाकर और कोहली को वाइस कैप्टन के तौर पे ट्राई सीरीज जो कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ मई 2010 में खेली गई थी उसमें शामिल किया गया। कोहली ने अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए 42 की एवरेज से 168 रन बनाए मगर वहां पे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मगर कोहली उस समय तक फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन बन गए थे जिन्होंने अपने 1000 रन पूरे किए थे। विराट कोहली को इंडियन क्रिकेट टीम का टेस्ट क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया 2014 से लेकर 2021 तक और लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में उन्होंने कैप्टनसी की 2017 से लेकर 2021 तक। कोहली के अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो एज अ कैप्टन टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम पे है। फास्टेस्ट सेंचुरी एज अ इंडियन बैट्समैन का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम पे है ओडीआई में। सबसे कम मैचों में 25 सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड ओडीआई में विराट कोहली के नाम पे दर्ज है। 70 इंटरनेशनल सेंचुरी सबसे कम मैचों में विराट कोहली ने अपना नाम दर्ज करवाया है। सबसे ज्यादा चेजिंग करते हुए ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज मारने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम पर दर्ज है। टेस्ट रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने 68 मैचों में कैप्टनसी की जिसमें से 40 मैच में भारत ने विजय प्राप्त की। इसके अलावा 4 कंजेकटिव सीरीज में 100 बनाकर कोहली ने डॉन ब्रैडमैन और राहुल द्रविड़ के यूनिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया। विराट कोहली के T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन विराट कोहली के नाम पे हैं, 4008 रन बनाए हैं उन्होंने। 50+ का स्कोर उन्होंने 38 बार अचीव किया है जिसमें से 37 हाफ सेंचुरीज हैं और 1 सेंचुरी है। हाईएस्ट क्रिकेट बैटिंग एवरेज T20 में विराट कोहली के नाम पे है, 52.73 की एवरेज से विराट कोहली ने रन बनाए हैं। वो फास्टेस्ट प्लेयर हैं 3000 रन अचीव करने वाले, 81 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और 3500 रन 96 इनिंग्स में बनाया है। सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी विराट कोहली के नाम पे है, वो उन्होंने 15 बार मैन ऑफ द मैच मिले हैं। इसके अलावा 7 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी विराट कोहली के नाम पे है। वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन, 2000 रन, 3000 रन और 4000 रन सबसे फास्ट बनाने वाले प्लेयर हैं। ओडीआई रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो सबसे तेज 8000 रन, 9000 रन, 10000 रन, 11000 रन और 12000 रन का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पे है। इन्होंने सबसे फास्ट रन अचीव किए हैं ओडीआई क्रिकेट में। सबसे ज्यादा 26 बार ओडीआई सेंचुरीज बनाई हैं चेज करते हुए। सबसे फास्ट 70 इंटरनेशनल सेंचुरीज का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पे है। सबसे जल्दी 25 ओडीआई सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड भी ओडीआई में विराट कोहली के नाम पे है। इसके अलावा सबसे तेज सेंचुरी मारने का एज अ इंडियन बैट्समैन का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम पे है। आईपीएल रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो विराट कोहली के नाम पे 7263 रन है जो कि किसी भी प्लेयर के सबसे ज्यादा रन है। आईपीएल में एक सिंगल एडिशन में 2016 में
973 रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम पे है। विराट कोहली ने 3 बार डबल सेंचुरी पार्टनरशिप की है आईपीएल में, जिसमें से 2 एवी डिविलियर्स के साथ में है और 1 बार क्रिस गेल के साथ में। वो सबसे ज्यादा दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट 1030 रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम पे है। एक सीजन में 4 बार सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम पे दर्ज है।